डिजिटल वर्ल्ड में पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है वो यही है कि आप हम लोग जो है वो अगर इंडिया को देखें तो वर्चुअल असिस्टेंट फ्रीलांसिंग में नंबर वन पे हैं और पाकिस्तान जो है वो फोर्थ और फाइव नंबर पे आता है। और हमारे पास जो पॉपुलेशन है, हमारे पास स्किल्ड पॉपुलेशन इस तरह से होनी चाहिए जो कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिजनेस को जो है वो अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सके। तो जैसे लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि ये सबसे बड़ी जो इस टाइम जो सिचुएशन है वो ये है कि जो लोग जिनके पास वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको चाहिए कि वो एटलीस्ट घर पे रहें। हम लोगों के दो चीजें हैं माइंड सेट में है कि एक तो वो हमारे पास 25% ऑफ द पॉपुलेशन है जिनके पास दे आर जस्ट हैंड टू माउथ, दे डोंट हैव एनीथिंग। ओके, सो दे हैव टू कम आउटसाइड, इधर इफ दे गोना स्टे एट होम दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो वो तो ठीक है, वो बाहर हैं, लेकिन जिनके पास रिसोर्सेज हैं उनको लाजमी चाहिए कि वो घर पे स्टे करें, क्योंकि पिछले 10 दिनों में लॉकडाउन में थोड़ी सी जो नरमी हुई है उसकी वजह से हमारी कैजुअलिटीज भी वहां पे बढ़ी हैं। तो इस चीज को समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि अगर वो इन दिनों में अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर लें और अननेसेसरी गेट टुगेदर्स जो हैं वो नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। बट ये है कि ये 3 to 4 weeks का एक टेन्योर है, उसमें चीजें जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएंगी। और जब आप जहां अपने बिजनेसेस की बात की, तो बिजनेसेस में डेफिनेटली जब वो घर बैठेंगे तो और अपनी स्किल्स के ऊपर काम करेंगे, आज तक जो उन्होंने किया वो एक हद तक बेहतर था, अच्छा था। लेकिन अब जो डिजिटलाइज हो रही हैं चीजें, अब जो रोबोटिक्स के ऊपर जा रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, बिजनेस इंटेलिजेंस के ऊपर बात हो रही है, वो यही है कि लोगों को अपने बिजनेसेस को डिजिटलाइज करना है। तो इसका बिल्कुल सबसे बड़ा फायदा ये होगा, अब आपने देखा होगा कि ऑर्डर्स हैं कि जो लोग बिजनेस ऑनलाइन कर रहे हैं दे आर स्टिल वर्किंग, Somehow they are working, they have team, they are working. आपकी शॉप है, आपने कुछ भी जो है वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं, आप जो है वो ग्रॉसरी का बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी भी किस्म का बिजनेस कर रहे हैं, आप वही चीज अगर डिजिटलाइज कर रहे हैं तो इस टाइम एज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, एज ए एट द डिजिटल प्लेटफॉर्म यू आर स्टिल डूइंग योर बिजनेस, बट आपके जो बिजनेस जो हम कहते हैं कि आपके जो मेन बिजनेसेस हैं वो शटल जो है वो क्लोज है, लेकिन आप बिजनेसेस कर रहे हैं। तो इस चीज की अवेयरनेस की सबसे ज्यादा जरूरत है कि आप किसी भी लेवल का बिजनेस करते हैं, आप ऑफिस में जॉब करते हैं, आप वहां पे लॉजिस्टिक प्रोवाइड करते हैं, आप उनकी प्रिक्योरमेंट के लिए काम करते हैं, सो कम अप एंड स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग कंपनीज एंड यू कैन डू इट थ्रू योर ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर।